हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में। तो आज हम आए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, और आज हम जो कच्चे आम हैं उसके साथ हम एक इंटरेस्टिंग सी आइटम हम बनाएंगे। तो आज हम कच्चे आम वाली दाल, कच्चे आम के फ्लेवर वाली दाल हम बनाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और इंटरेस्टिंग रेसिपी ये होगी। तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये जो दाल बनाने के लिए, सबसे पहले हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, थोड़ी सी सरसों, फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ड हरी मिर्चें, अदरक और कुछ कड़ी पत्ते। तो ये सभी चीज़ें डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे और वेट करेंगे तक ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाए और अपना फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ कर लें। तो थोड़ी देर सभी चीज़ों को क्रैकल होने देने के बाद फिर हम इसमें जो कच्चे आम आते हैं उन्हें, उसका जो छिलका है वो हम निकाल लेंगे और उन्हें अच्छी तरह से पानी में धोकर हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। तो आपको कच्चे आम थोड़े से सॉफ्ट, ज़्यादा कच्चे नहीं, कच्चे और पक्के के बीच का जो स्टेज है उसी का स्टेज वाला जो आम है वो लेना है। तो इन्हें हम कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से हम इसे स्टर कर लेंगे। तो हमारे जो कच्चे आम हैं वो थोड़ी देर ऑयल में वो फ्राई हो रही हैं। तो अब हम इसमें कुछ बेसिक सूखे मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। तो हल्दी, लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल लेंगे और इसे हम थोड़ी देर आम के गलने तक हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ इसीलिए जो कच्चा आम है, जो कच्ची कैरी है वो लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कच्चा आम है वो थोड़ा सा सख्त होता है। तो जब हम इसे ऑयल में हम इसे पकाएंगे तब ये सॉफ्ट होगा और ये एक जेली जैसा इसका टेक्सचर बन जाएगा। तो अगर हम ज़्यादा पके हुए आम लेंगे तो ये एकदम इसमें शुरू से ही गल जाएगा और ये इसका फ्लेवर इसमें रिलीज़ नहीं होगा। तो इसीलिए आपको कच्चे आम थोड़े से जो सख्त होते हैं इनिशियल स्टेज का, वही आपको लेना है। तो अब हम इस मिक्सचर में नमक डालेंगे। तो नमक आपको थोड़ा सा ध्यान रख के डालना है, क्योंकि जब हम इसमें दाल ऐड करेंगे वो प्रेशर कुक की हुई दाल होगी जिसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर पहले से ही डला हुआ होगा। तो नमक आपको थोड़ा सा ध्यान रख के डालना है। तो नमक आप स्वाद अनुसार, अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रख के डालें। और फिर हम इसमें थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे ताकि खट्टा, मीठा, तीखा सभी का जो बैलेंस है वो आ जाए, क्योंकि आम जो है वो खट्टा है, चीनी हमने इसमें डाली वो मीठी है, लाल मिर्च पाउडर हमने इसमें डाला वो तीखा आ गया। तो सभी फ्लेवर्स का जो बैलेंस है वो सही बैठना चाहिए। तो थोड़ी सी चीनी डालेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आम के सॉफ्ट होने तक, जेली जैसी कंसिस्टेंसी आ जाने तक, एक चटनी जैसी कंसिस्टेंसी आ जाने तक हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे जो कच्चे आम हैं वो अच्छी तरह से इसमें घुल मिल गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और इसकी एक चटनी जैसी, जेली जैसी कंसिस्टेंसी इसकी आ रही है। तो इसे हमें पका पका कर इसे रिड्यूस करते हुए एकदम इसकी चटनी जैसी कंसिस्टेंसी हमें लानी है। और फिर हम इसमें जो दाल है, प्रेशर कुक की हुई अरहर दाल, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो चाट मसाला को भी आपको ध्यान रख के डालना है, क्योंकि आपने इसमें नमक भी डाला हुआ है इस आम के मिक्सचर में भी और दाल में भी। तो चाट मसाले में भी नमक होता है, तो उसी हिसाब से आपको इसे बैलेंस करके डालना है। तो चाट मसाला और सभी चीज़ें डालने के बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे मिक्सचर के रिड्यूस होने तक। तो दोस्तों, हमारा जो आम का मिक्सचर है वो एकदम अच्छी तरह से आम इसमें मिक्स हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें प्रेशर कुक की हुई अरहर दाल, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो हमने अरहर दाल को
थोड़ा सा नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और सरसों और ज़ीरा के साथ इसे बघार देकर हमने इसे 4 से 5 सीटी आने तक हमने इसे प्रेशर कुक कर लिया। तो वही प्रेशर कुक की हुई अरहर दाल वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो अरहर दाल को इसमें डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि जो आम का जो मिक्सचर है उसका फ्लेवर अच्छी तरह से दाल में आ जाए। तो एक खट्टा मीठा टेस्ट दाल में आएगा और वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दाल डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट तक इसे हम मीडियम फ्लेम पे सिमर होने देंगे ताकि इन सभी चीज़ों का फ्लेवर एक साथ आ जाए। तो दोस्तों, दाल को आम के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से सिमर होने देने के बाद हमारा जो कच्चे आम वाला दाल है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है। तो खट्टा मीठा तीखा टेस्ट इसमें है, तो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये दाल बनी है। तो इसे आप गर्मा गर्म इसे चावल के साथ, जीरा राइस के साथ, खिचड़ी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्लेवर्स ट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।